हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, SOL के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ BA प्रोग्राम का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो उनका रिजल्ट भी कुछ टाइम में आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि सेकेंड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट्स है वो भी सबमिट कर दिए गए हैं। तो अब ये स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो आ जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, और जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो आ जाएंगे अब फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म कब रिलीज होंगे और उस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कितनी फ़ी पे करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के जो फॉर्म आएंगे वो क्या हमारे सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद आएंगे या उससे पहले ही आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए बेसिक समझना होगा कि SOL के अंदर सेमेस्टर सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो देखिए, अगर SOL की बात करें तो SOL में ग्रेजुएशन में टोटल 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और हर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 6 मंथ के, 6 6 महीने के। जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकेंड सेमेस्टर होगा, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर होगा और फोर्थ सेमेस्टर होगा, इसी तरह से थर्ड ईयर के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर होगा और सिक्स्थ सेमेस्टर होगा। तो अगर अभी मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसने सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट दिए हैं, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है सिर्फ और सिर्फ BA प्रोग्राम को छोड़ के, और सेकंड सेमेस्टर के उन्होंने अभी असाइनमेंट सबमिट किए हैं। तो अब इनको जाना है थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि इनका थर्ड सेमेस्टर है। इसी तरह से जिस स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं अगेन BA प्रोग्राम को छोड़ के, और फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट उन्होंने सबमिट किए हैं, तो इनको जाना है अब फिफ्थ सेमेस्टर में। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है कि थर्ड सेमेस्टर में हम जब ही जाएंगे जब हमारा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर में हम जब ही जाएंगे जब हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स में आपकी ER या फिर जिसमें आप फेल हो जाते हैं उसका एग्ज़ाम आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना होता है, इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में अगर किसी में ER या किसी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो उसका एग्ज़ाम आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ देना होता है। इसी तरह से अगर थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ER है तो उसका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में ER है तो उसका एग्ज़ाम आपका सिक्स सेमेस्टर के साथ होता है। तो अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में किन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे आपको? जो मान लीजिए आपके 4 या 5 सब्जेक्ट, अगर प्रोग्राम कोर्स है तो 4 सब्जेक्ट और ऑनर्स कोर्स है तो 5 सब्जेक्ट जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में होंगे उनके। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, फर्स्ट सेमेस्टर में ER थी, उनको आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए 1 सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट है, जो भी है उनको यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो इन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम आपको देने होंगे। और अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो थर्ड सेमेस्टर में उन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम आपको नहीं देना जिसमें आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आए या ना आए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिस भी स्टूडेंट ने सेकंड सेमेस्टर में अपने असाइनमेंट दे दिए हैं उसको थर्ड सेमेस्टर में जाना ही जाना है। और इस ईयर तो वैसे भी किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जा रहा, सबको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो स्टूडेंट तो थर्ड सेमेस्टर में जाएगा ही जाएगा। तो इस बात से आप क्लियर हो जाएं कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के पहले ही आपके थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है एडमिशन जो स्टार्ट कब होंगे। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अब कोई फिक्स डेट तो है नहीं, SOL बता सकता है कब से स्टार्ट होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली डेट आप मान के चलें तो सितंबर के एंड से आपके जो एडमिशन है थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये जो बेसिक मैंने समझाया किस तरह से SOL में सेमेस्टर सिस्टम काम करता है और क्यों थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली सेप्टेम्बर एंड से या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि एडमिशन के टाइम पे आपको फ़ी कितनी पे करनी होती है। तो देखो, SOL के अंदर जो फ़ी है वो जनरली ईयर के हिसाब से पे की जाती है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे आपने 4040 रुपये अप्रॉक्सीमेटली अपनी फ़ी पे की होगी, और वो फ़ी जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की भी थी और सेकेंड सेमेस्टर की भी थी। इसी तरह से जब आप थर्ड सेमेस्टर में अपनी फ़ी पे करेंगी तो वो फ़ी जो है पूरे सेकेंड ईयर की होगी, यानी वो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी होगी और प्लस फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी होगी। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स ने फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट दिए हैं वो अब थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे तो उनकी जो फ़ी पे करेंगे वो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी होगी और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी होगी।
और ये फी जो है अप्रोक्सीमेटली है 4,040 रुपये। यहाँ पे कैटेगरी आप पूछ सकते हैं कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप में से कैटेगरी ए में ही आएंगे जो कि रिजाइडिंग इन इंडिया है, तो मैं कैटेगरी ए की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कैटेगरी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेकेंड ईयर की फीस जो है वो थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के लिए होगी। इसी तरह से थर्ड ईयर की फीस जो है वो फिफ्थ और सिक्स दोनों सेमेस्टर के लिए होगी, और ये फीस जो है आपकी अप्रोक्सीमेटली रहती है 4,040 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर इस 4,040 का बाइफर्गेशन देखें हम, तो इसमें से कुछ फीस तो आपकी स्कूल फीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट फीस होती है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस होती है, ये सब होती है, और कुछ होती है आपकी एग्जाम फीस। तो जो ये एग्जाम फीस है ये सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लगती है, जैसे सेमेस्टर वन की अलग और सेमेस्टर सेकेंड की अलग। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं हम बाइफर्गेशन दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो एसओएल क्या करे, जो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आपको फिल करवाएंगे उसी में आपकी 4,040 या जो भी होगी आपकी 4,000 के आसपास जो भी आपकी फ़ी बनती है वो एक साथ आपसे ले ले। या दूसरा काम ये कर सकते हैं ये कि एग्जामिनेशन फीस जो है थर्ड सेमेस्टर की अलग लें और फोर्थ सेमेस्टर की अलग लें। तो इस केस में क्या होगा, आपको थर्ड सेमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपये आपको देने होंगे, और फिफ्थ सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में आपको 500 या 600 रुपये आपको देने होंगे। तो इस तरह से भी काम हो सकता है। तो ये आप मान के चले कि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपसे 3,500 रुपये फीस ली जाती है, तो अगले सेमेस्टर में यानी फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में दोबारा आपसे एग्ज़ाम फीस अलग से ली जाएगी। अगर आपसे पूरी 4,000 ले ली जाती है, तो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपको कोई अलग से फ़ी नहीं देनी होगी। इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में ईआर है और थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में आपको उसका भी एग्ज़ाम देना है, या फिर किसी सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है अलग से यहाँ पे ऐड होगी। ये फीस जो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है 4,000 के आसपास जिनकी किसी सब्जेक्ट में ईआर या किसी में इम्प्रूवमेंट नहीं देना है। अगर किसी में आपको ईआर दी गई है, दोबारा पेपर देना है, या फिर किसी में इम्प्रूवमेंट देना है, तो उसकी फ़ीस यहाँ पर अलग से ऐड हो जाएगी। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही थी कि जो भी आपकी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर की जो फीस है वो आपके सेप्टेम्बर एंड के आसपास उसके फॉर्म निकल जाएंगे, और उसमें आपको 3,500 या कहें 4,000 के आसपास आपको फ़ी पे करनी होगी। 4,000 जब पे करनी होगी, जब पूरे ईयर की एक साथ ले लेते हैं ये लोग, अगर सिर्फ सेमेस्टर थर्ड की लेते हैं और सेमेस्टर फोर की एग्जामिनेशन फीस ये बाद में लेंगे, तो आपको 3,500 के आसपास फ़ी पे करनी होगी। तो ये आपके लिए वीडियो थी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं एसओएल के, उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी फॉर्म आता है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, तो डेफिनेटली आपको चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।